दोस्तों, मेरा नाम है अमोल आनंद और आप देख रहे हैं लूम सोलर का वीडियो ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, लूम सोलर एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2018 में पहली बार लूम सोलर ने मोनोपर्क सोलर पैनल लॉन्च किया था और 3 साल बाद 2021 में लूम सोलर ने करीबन 10 करोड़ रुपया अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करने पर लगाया है और 2021 में बनाया है सुपर हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल। ये क्या होते हैं सुपर हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। 2021 में लूम सोलर ने सार्क के नाम से 144 सोलर सेल वाला लाइन बस बार में 440 वाट का सोलर पैनल निकाला है और इसकी जो नई सीरीज है शार्क बाईफेसियल, इसमें कि एक ऐसा सोलर पैनल जो कि फ्रंट और बैक दोनों से पावर जनरेट करता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सार्क सोलर पैनल इंडिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ये आपको लूम सोलर के अलावा किसी और कंपनी का नहीं मिलेगा, क्योंकि लूम सोलर ने ही अपनी फैक्ट्री में इतना सारा पैसा लगाया है इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। सुपर हाई एफिशिएंसी की सीरीज में सार्क में 2 मॉडल हैं, एक सार्क और दूसरा सार्क बाईफेसियल। सार्क बाईफेसियल एक ऐसा सोलर पैनल है जो कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से पावर जनरेट करता है। ये जो सोलर पैनल है 440 वाट का है, लेकिन अगर इसे बाईफेसियल की कंडीशन को पूरा किया जाए तो ये सिंगल सोलर पैनल 550 वाट तक का पावर जनरेट करेगा। अभी मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि एक बाईफेसियल पैनल क्या होता है और एक किस कंडीशन में कितना पावर जनरेट करता है। इस सोलर पैनल में ऐसा क्या खास है जिसके लिए लूम सोलर को 10 करोड़ रुपए अपनी फैक्ट्री में लगाने पड़ गए? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सोलर पैनल में टोटल 144 से लगे हैं और 9 बस बार में आता है। इंडिया में जितने भी सोलर आप लेंगे, या तो वो 330 वाट का होगा या 335 वाट का होगा, या फिर अगर आप मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लेंगे जो कि लूम सोलर ने आज से 3 साल पहले लॉन्च किया था, तो उसमें आपको 375 या फिर 380 वाट का पैनल मिलेगा। इस पैनल की खासियत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको घर पे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है जिसमें कि आपको 2 पैनल लगाने हैं, तो आपका 2 पैनल से काम चल जाता है। जब आप हायर कैपेसिटी का सोलर पैनल लगाएंगे, यानी कि 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का, तो आपका जो छत पे स्पेस है वो कम यूटिलाइज होएगा, क्योंकि ये पैनल हायर वोल्टेज का आता है। ये सिंगल सोलर पैनल 440 वाट का आता है। जब आप बाईफेसियल की बात करेंगे तो यही सोलर पैनल आपका 550 वाट पावर जनरेट करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल सोलर पैनल और बाईफेसियल में क्या फर्क है। जो नॉर्मल सोलर पैनल है उसके पीछे यानी कि बैक साइड में सोलर सेल नहीं दिखते, यानी कि पूरा का पूरा आपको व्हाइट कलर दिखेगा, जबकि बाईफेसियल में जैसे कि फ्रंट में सोलर सेल दिख रहा है, बाईफेसियल में भी पीछे की साइड आपको सोलर सेल नजर आएंगे। आपको मैं भी दिखाता हूं। बाईफेसियल पैनल में आपको सोलर सेल पीछे से भी दिख जाएंगे, जबकि बाकी नॉर्मल पैनल में जैसे कि 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट में पीछे के साइड पे आपको व्हाइट कलर का बैकसाइड देखेगा। ये बाईफेसियल की पहचान है। पहली बात, अगर इस सोलर पैनल के नीचे आप पानी रखेंगे, यानी कि नदी के ऊपर या फिर समुंदर के ऊपर इस सोलर पैनल को लगाया जाए, तो सिर्फ 7% रिफ्लेक्शन आता है सन का वापस। उस केस में सोलर पैनल 470 वाट जनरेट करेगा। अगर आप इसे घर के गार्डन में या फिर फैक्ट्री के गार्डन में, जहाँ पे नीचे की तरफ घास है, जैसे कि नीचे भी घास है, यहाँ पे इस केस में जो रिफ्लेक्शन है वो 10% का आएगा और ये सोलर पैनल 485 वाट जनरेट करेगा। अगर आप इसे अपने घर के छत के ऊपर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आपका छत कॉन्क्रीट का है, उस केस में जो एल्बिडो इफेक्ट है वो 13% का आएगा और ये सिंगल सोलर पैनल आपको 495 वाट जनरेट करके देगा। अगर आप राजस्थान जैसे एरिया से है जहाँ पे नीचे सैंड बहुत है, बालू बहुत है, उस केस में एल्बिडो इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और ये सिंगल सोलर पैनल सार्क 440 आपको 505 वाट प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जाए और मैक्सिमम जनरेशन लिया जाए, उस केस में जो आपके घर का छत है जो कि कॉन्क्रीट से बना है, अगर आप उसके ऊपर व्हाइट पेंट करा देंगे, उस केस में ये 20% तक एक्स्ट्रा पावर जनरेट करेगा। यानी कि सिंगल सोलर पैनल 20% एक्स्ट्रा पावर जनरेट करेगा, तो 440 वाट का प्लस 20% ही आता है 530 वाट। ये इसकी हाईएस्ट जनरेशन है।
सो बाईफेसियल पैनल को आप खुद टेस्ट कर सकते हैं कि सच में ज़्यादा एम्पियर जनरेट करता है कि नहीं करता है। ये सोलर पैनल 10.5 एम्पियर रेटेड है कि जनरेट करेगा, लेकिन बाईफेसियल में इसकी जो जनरेशन है करंट की वो 12.5-13 एम्पियर तक चली जाएगी। इसे चेक कैसे करना है इंस्टॉलेशन से पहले, या फिर अगर आप किसी डीलर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर किसी कहीं से बाय कर रहे हैं, उस केस में भी ये बाईफेसियल ओरिजिनल है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका बताता हूँ। इस सोलर पैनल को पहले हाइट पे ले जाया जाएगा और प्लस माइनस को आपस में सर्किट कनेक्ट कर दिया जाएगा और मल्टीमीटर डाल के जब चेक करेंगे तो 10.5 एम्पियर वाला सोलर पैनल आपको 12, 12.5, 13 एम्पियर यानी कि 20% तक एक्स्ट्रा एम्पियर जनरेट करके देगा। अगर जनरेट करके दे रहा है तो ये एक्चुअल में ओरिजिनल बाईफेसियल सोलर पैनल है। नॉर्मल तरीका है जब बाईफेसियल का एम्पियर चेक किया जा रहा है, इसे सबसे पहले हम आपस में सर्किट कनेक्ट कर देंगे और ये मैंने कर दिया, आवाज़ आ गई। अब मैं मल्टीमीटर लगा देता हूँ, 0। ये कितना जनरेट कर रहा है, मुझे हटना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि रिफ्लेक्शन जाएगा नहीं, मैं हट जाता हूँ पीछे से। अब मैं चेक करूँगा मल्टीमीटर में कि कितना जनरेशन दिखा रहा है। अब मैं इसके नीचे से हट गया हूँ क्योंकि शेडो आएगा। ये नॉर्मल तरीका है बाईफेसियल का एम्पियर चेक करने के लिए, आप चेक कर पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आप बाईफेसियल सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको 1.5 मीटर की हाइट पे लगाना जरूरी है, तभी बाईफेसियल सोलर पैनल अच्छे से काम करेगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको बस दिखाया जा रहा है कि ये बाईफेसियल स्ट्रक्चर है यानी कि एक हाई रेंज स्ट्रक्चर है। जब आप इसको लगाएंगे इस स्ट्रक्चर के ऊपर तो आपका जो बाईफेसियल सोलर पैनल है बहुत अच्छे से काम करेगा और मैक्सिमम 20% तक एक्स्ट्रा पावर जनरेट करेगा, यानी कि सार्क 440 वाट का पैनल आपको 530 वाट तक का पावर जनरेट करके देगा, तभी जब आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे। अगर आप सोलर लवर हैं या फिर घर पे सोलर पैनल लगाने की सोच रहे हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है आपको डिटेल, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं loomsolar.com पे, या फिर आप नियरेस्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हर शनिवार होने वाले लर्न सोलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।